हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूका रेसिपीज में आपका स्वागत है। दिवाली फेस्टिव आने वाला है तो त्योहारों पे हम घर पे ही मिठाई बनाना पसंद करते हैं। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिना मावा के 10 मिनट में बनने वाली हलवाई जैसी एकदम दानेदार बर्फी। ये बाजार में मिलने वाले एकदम कलाकंद जैसी बर्फी बनकर तैयार होगी। तो इस फेस्टिव पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कप से मेज़र करें तो ये 1.5 कप पनीर है। 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे और 1/2 कप दूध लेंगे। मिला लेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और दूध आप फुल फैट या लो फैट कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। दूध पहले बॉईल किया हुआ था, अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। पनीर डालने से ये एक कलाकंद जैसी मिठाई बनके तैयार होती है। देखिए, देखने से ही पता चल रहा होगा ये एकदम दानेदार बर्फी बनके तैयार होगी। इस मिक्सचर को एकदम गाढ़ा होने तक या फिर जमने वाली कंसिस्टेंसी में आने तक चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। देखिए, मिक्सचर पहले से गाढ़ा होने लगा है। इस साइड्स पे चिपकने लगी है तो इस तरह से इसको हटाते जाएंगे। देखिए, मिक्सचर पहले से गाढ़ा हो गया है। किनारों पे से इस तरह से इसको हटाते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आती है। मिला लेंगे घी को भी इसमें। घी चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हैं। जब हमने मिल्क पाउडर, पनीर और दूध डाला था तब भी आप घी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे और इलायची का पाउडर डाल देंगे। मिला लेंगे दोनों चीज़ों को भी। चीनी गर्म होने पे पानी छोड़ती है तो इसलिए हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे इसको। देखिए, मिक्सचर एकदम गाढ़ा होने लगा है और पैन भी छोड़ने लगा है। बर्फी का ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसको किसी सेटिंग ट्रे में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई सेटिंग ट्रे नहीं है तो इस तरह से आप कोई मिठाई का डब्बा ले सकते हैं। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब बटर पेपर को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो
किसी नॉर्मल प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं। इस तरह से किनारों पर भी और साइड पे भी अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। और इस बर्फी के मिक्सचर को इस डब्बे में डाल देंगे। देखिए दिख रहा है ना एकदम कलाकंद जैसा। मैंने सारा मिक्सचर इस डब्बे में डाल दिया है। अभी इस तरह से स्पून लेंगे, इसके बैक साइड को इसको ग्रीस कर लिया था, इस तरह से प्रेस करते हुए इसको एक फ्लैट कर देंगे और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। बादाम की कटिंग से इसको गार्निश कर देंगे। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एक फ्लैट कटोरी से इसको प्रेस कर देंगे। कटोरी के भी बैक साइड को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे या फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रख दें, उससे भी बर्फी अच्छे से सेट हो जाती है। एक घंटे बाद चेक करेंगे, बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने बटर पेपर लगाया था जिससे बहुत आसानी से निकल गई। इसे आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। देखिए काटने से ही पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है। एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ मैं। देखिए तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बर्फी बन के तैयार हुई है। त्योहारों पे आप इस बर्फी को बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।